खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज और मोघट रोड खंडवा। आज गुड़गांव से आए, क्या समस्या थी आज? आया सर, वो जो सचिव पे कार्रवाई, वो सरपंच पे भी कार्रवाई होना था। हर बार सचिव पे कार्रवाई होती, सरपंच पे होती नहीं। अब उसमें भागीदारी में दोनों की रहती ना, सरपंच सचिव दोनों रहते उसमें। क्या हुआ था वहाँ पे? घपला क्या मामला ये था? एक आदमी मामला ये सर, वो ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचारी का है, मवेशी बाजार का है, ये इनकी राशियाँ भी डालते नहीं सर, और ये इनकी मनमानी फर्जी तरीके से बिल निकालते। हमने बिल प्रस्तुत कर दिए थे तो कार्रवाई भी हुई थी, 89 की कार्रवाई भी चल रही है, एक प्रकरण और चल ही रहा जिला पंचायत में। तो कार्रवाई सचिव को होती, सरपंच पे क्यों नहीं हो? आप बता जी, बताए आप कहाँ से? पूरा हम ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग से आए हैं। मामला पूरा ऐसा है कि ग्राम पंचायत में उच्च न्यायालय की ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग में मवेशी बाजार के ऊपर, मवेशी बाजार की वसूली के ऊपर स्टे लगा हुआ है, और स्थगन के अंदर वसूली जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए थी, लेकिन सरपंच की हटकर्मी की वजह से जो है सरपंच और सचिव ही वसूली कर रहे थे ग्राम पंचायत की राजस्व। कौन कौन है वहाँ पे सरपंच? ग्राम पंचायत नीनू भाई है, सरपंच जो है वो नीनू भाई है, और सचिव जो है रंजीत राठौर थे, लेकिन अभी कल उन पर कार्रवाई हुई निलंबन की। और हम यहाँ पर आज जनसुनवाई में आने का उद्देश्य ये था कि निलंबन की कार्रवाई जो सचिव पर हुई है वो ठीक है, प्रशासन अधिकारियों ने की, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना दोषी सचिव है उतना ही दोषी सरपंच भी है। सरपंच पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो राजस्व की वसूली हो रही है, तो जिस दिनांक से उच्च न्यायालय का स्टे लगा है उस दिनांक से आज तारीख तक के ग्राम पंचायत द्वारा जो भी वसूली की गई है वो एक रुपये खाते पंचायत खाते में जमा नहीं हुआ है। तो जितना दोषी सचिव रहा होगा इसमें उतना ही दोषी सरपंच भी है, तो सरपंच पर क्यों नहीं कर रही? हमारा आने का मकसद यही था, और हम शिकायत जो लेकर के बार बार आ रहे हैं उसका मकसद भी यही है। पहले भी कई बार आपसे विवाद भी हुआ था क्या? विवाद सिर्फ इसी संबंध में, ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर के विवाद है, और वो विवाद को लेकर के अपने बहुत सारे लोगों पर झूठे सच्चे इल्जाम भी लगा रहा है वो, उसके एविडेंस दिए जाएंगे, और वो बहुत सारे मामले जो हाईकोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर चल भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान काजी। आप कहाँ से आए, क्यों आए आज? बोरगांव बुजुर्ग से, मैं उत्तर प्रदेश दीपाली गगराड़े के। सरपंच पे कार्रवाई लेके आए थे पंचों सहित, और उस पर कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कर रहे हैं पंचायत से? तो यही भ्रष्टाचार के विषय में, पशु बाजार के विषय में। पहले भी कई आप कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर कुछ नहीं हुआ, उसका जल्द निराकरण। अभी जो एक निलंबित मांग हुआ है, ये कौन था, क्या है? ये रंजित सचिव थे हमारे। सचिव थे, ये भी सचिव पे हुआ है तो सरपंच पे भी होना चाहिए, दोनों साथ में काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार वहाँ पे क्या हो रहा है? तो क्या कुछ यही पशु बाजार के पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, जो पुराने बिल लगाए हुए, फर्जी बिल लगाए हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी ठेका किसका था वहाँ पे? ठेका है या अभी तो चल रहा है? स्थगित रहा ठेका, तो ठेका निरस्त है अभी। हाईकोर्ट का स्टे लगा है। अच्छा, तो अभी वसूली चल रही है या बंद? उसकी कौन कर रहा है वसूली? अभी वसूली ग्राम पंचायत वाले कर रहे हैं, उसके पैसे भी जमा नहीं हो रहे बराबर। क्या नाम है आपका? दीपाली गगराड़े, उत्तर। उसके बाद भी ये वसूली कर रहा है तो कौन कर रहा है, कौन लोग ये शासकीय अधिकारी है या कौन लगा है? जो स्टे लगा है उसमें ये है कि प्रशासनिक अधिकारी राजा अपने मवेशी बाजार के राजस्व की वसूली करेंगे, और राजस्व की वसूली करके ग्राम पंचायत के खाते में जमा करेंगे, लेकिन पंचायत में सरपंच पति के जो सहयोगी मित्र है वो वसूली कर रहे हैं। कौन कौन है वो लोग? विक्की है, दीपक है, और ऐसा और उसका सहयोगी मित्र है जो उसकी वसूली कर रहे हैं, उसमें और आपस में ही बंदरबांट कर रहे हैं, ये पंचायत खाते में जमा नहीं कर रहे हैं। कभी कभी तो जो है, हमने कई बार पिछले बार के अंदर जो है अपने ग्रामीणों द्वारा शिकायत हुई कि ठेकेदार के लोग भी आकर के वसूली कर रहे थे, जिस पर स्टे लगा है, जिसकी वसूली पर स्टे लगा है वही उसी के लोग आकर के वसूली कर रहे हैं, तो आदिवासी लोगों के साथ में जो है अपने दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो उन लोगों ने शिकायत करे जाकर के पुलिस थाने में, और वो पुलिस थाने की शिकायत के ऊपर अपने उन्होंने संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया। आप लोगों ने वहाँ पे शासकीय अधिकारी को नहीं बताया कि यहाँ पे वसूली हो रही है? कई बार अवगत कराया जा चुका है लिखित में, कई बार अनगिनत बार अपने अवगत कराया जा चुका है, लेकिन क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं,
आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।